टोटल कितने सेविंग अकाउंट बैंक में खुलवा सकते हैं ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस नहीं आए, सेविंग अकाउंट के अंदर आप कितना कैश जमा कर सकते हैं, कितना कैश विड्रॉ कर सकते हैं एक साल के अंदर ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं हो और आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस नहीं आए, ऐसे ही सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मेरा नाम है अरविंद दांगी, आइए शुरू करते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन होने के बाद लगभग हर व्यक्ति का सेविंग अकाउंट खुल चुका है। सेविंग अकाउंट का मतलब होता है बचत खाता, जो कि आप बैंक और पोस्ट ऑफिस में भी इस खाते को खुलवा सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि मैं कितने सेविंग अकाउंट रख सकता हूँ, कितने बैंकों में मेरे खाते खुलवा सकता हूँ ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई कार्रवाई नहीं हो, कोई नोटिस नहीं आए कि आपने इतने खाते क्यों खुलवा रखे हैं। तो फ्रेंड्स आपके नंबर ऑफ अकाउंट कितने भी हो सकते हैं आपकी सुविधा के अनुसार, इससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का या सरकार का किसी का कोई लेना देना नहीं है। बस आपको कैसे मेंटेन करके रखना है वो आपकी सहूलियत के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे कि मान लिया जाए कि आपका एक बैंक में एक सेविंग अकाउंट है, दूसरे बैंक में दूसरा है, तीसरे बैंक में तीसरा है, ऐसे 10 बैंकों में खाते हो सकते हैं, 15 बैंकों में सेविंग अकाउंट हो सकते हैं, उससे कोई किसी का कोई लेना देना नहीं है, आपकी कन्वीनियंस के अनुसार कितने भी हो सकते हैं। लेकिन आपके कम से कम खाते होंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो वहां पे आपको सारे अकाउंटों का हिसाब देना होता है कि मेरे इतने अकाउंट है और इतने अकाउंटों में इतना ब्याज बन रहा है। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं करते हैं तो फिर तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ऐसे अकाउंटों में आप ज्यादा लेन देन कर रहे हैं, जो जितने अकाउंट है उन सभी में आप लेन देन कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करना होता है और आपको वहां पे उन सारे अकाउंटों का हिसाब देना होता है। इसलिए कम से कम सेविंग अकाउंट रखें तो ज्यादा बढ़िया होगा। दूसरा सवाल आता है कि आप सेविंग अकाउंट के अंदर कितना लेन देन कर सकते हैं, हर साल कितना कैश निकाल सकते हैं, कितना कैश जमा करें ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसकी सूचना नहीं हो, आपको कोई इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आए। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, एक साल के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपका टोटल कैश जमा 10 लाख या इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, या एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपका टोटल कैश विड्रॉल 10 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए या 10 लाख नहीं होना चाहिए। 10 लाख कैश डिपॉजिट होते ही या 10 लाख कैश विड्रॉल होते ही बैंक उसकी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि फाइनेंशियल ईयर होता है क्या है। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को बंद होता है। जैसे कि 2021 की बात करें तो 1 अप्रैल 2020 से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च 2021 को फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा। इस पूरे साल के अंदर आपका सेविंग अकाउंट में टोटल कैश जमा 10 लाख रुपए नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपने 2 लाख रुपए एक बार जमा कर दिया, 10,000 एक बार जमा कर दिया, 50,000 एक बार जमा कर दिया, 70,000 एक बार जमा कर दिया, 1 लाख एक बार जमा कर दिया, ऐसे मिला के पूरे साल भर का 10 लाख रुपए नहीं होना चाहिए, या एक साथ 10 लाख हो गया वो भी नहीं होना चाहिए। यदि 10 लाख जैसे ही पहुंचेगा आपका, जैसे ही 10 लाख रुपए जमा हो जाएगा आपके अकाउंट में कैश की, यहां पे अपन बात कर रहे हैं कैश की, तो बैंक उसकी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देगा। या आपका टोटल कैश विड्रॉल, जैसे कभी आपने 1 लाख निकलवा लिया, कभी 2 लाख निकलवा लिया, कभी 3 लाख निकलवा लिया, ऐसे मिलाकर के भी अगर आपका टोटल कैश विड्रॉल 10 लाख हो गया तो उसकी इंफॉर्मेशन भी बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देता है। अब ये बात कर रहे हैं कि आपकी एक बैंक में एक सेविंग अकाउंट है तो उसमें, यदि आपके एक ही बैंक में चार सेविंग अकाउंट है तो चारों मिला के भी 10 लाख नहीं होना चाहिए। चारों मिला के भी यदि 10 लाख हो गया तो भी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाएगी। वैसे तो किसी भी एक आदमी के 3-4 सेविंग अकाउंट एक ही बैंक में नहीं हो सकते हैं, लेकिन हो सकते हैं। वो कैसे, एक आपका खुद का हो गया, एक आपका और आपकी वाइफ के साथ हो गया, एक आपका और आपकी मम्मी के साथ हो गया, एक आपका और आपके पापा के साथ हो गया, एक आपका और आपके भाई के साथ हो गया। इस तरह से आपके 4-5 सेविंग अकाउंट है, सभी में आपने 5 सेविंग अकाउंट में 2-2 लाख हर एक साल में जमा कर दिया तो टोटल 10 लाख हो गया, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाती है। या आपने 2-2 लाख रुपए 5 अकाउंट से निकाल लिया तो उसकी भी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाती है, क्योंकि टोटल मिला करके उस आदमी का 10 लाख रुपए हो गया ना। इस हिसाब से आपका 10 लाख रुपए डिपॉजिट हो गया या 10 लाख रुपए विड्रॉल हो गया तो उसकी इंफॉर्मेशन बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देता है। लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, यदि आपके 5 बैंकों में सेविंग अकाउंट है, 5 बैंकों में आपने 2-2 लाख रुपए करके जमा करवा दिए, या टुकड़ों में करके एक साल में 2 लाख एक बैंक अकाउंट में, 2 लाख दूसरे में, 2 लाख तीसरे में, 2 लाख चौथे में जमा करवा दिए,
तो फिर बैंक उसकी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं भेजता। लेकिन लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हर बैंक अकाउंट पे आपके पैन और आधार को लिंक किया हुआ है, उसकी नजर बहुत पैनी है, वहां से वो सब पे ट्रैक किया हुआ है, इसलिए आप जितना जमा करवा रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो है ही सही। अब अगला सवाल ये आता है कि क्या हम बिल्कुल भी 10 लाख से ज्यादा नहीं जमा करवा सकते? बिल्कुल आप 10 लाख रुपए से ज्यादा भी जमा करवा सकते हैं, लेकिन उसका आपके पास सोर्स होना चाहिए कि पैसा कहां से आया है। यदि आपके पास प्रॉपर सोर्स है कि पैसा मेरा वहां से आया, मैंने कहीं से लोन लिया है, या कोई प्रॉपर्टी है, या कोई मशीनरी है वो सेल आउट की है, या कोई बिजनेस से कमाया है, जो भी कर किया है, या एग्रीकल्चर से इनकम आई है, जो भी आपके पास पैसे आने का स्रोत है, उसके आपके पास प्रूफ है कि मेरे पास वहां से पैसा आया, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आप 10 लाख जमा करवाइए, 20 लाख जमा करवाइए, 50 लाख जमा करवाइए, उससे कोई इशू नहीं है। बस ये है कि 10 लाख की इंफॉर्मेशन जब भी बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजेगा तो वहां से आपके नाम एक नोटिस बन के आएगा, और उस नोटिस में आपसे जवाब मांगा जाएगा कि आपके पास ये पैसा कहां से आया। तो यदि आपके पास प्रूफ है तो कोई इशू नहीं है, आप 10 लाख जमा करवाएं या 15 लाख जमा करवाएं, कोई दिक्कत नहीं है, आप हेसल फ्री जमा करवा सकते हैं और या विड्रॉल कर सकते हैं। जैसे आपने कहीं से पर्सनल लोन लिया है 10 लाख रुपए का, तो बैंक आपके अकाउंट में डालेगा। अब आपको कोई ऐसी जगह लगाना है जैसे शादी में खर्च करना है, या कोई अदर ऐसा काम करना है जिसमें आपको कैश में जरूरत है, तो आपको कैश विड्रॉल करना ही पड़ेगा ना, तो फिर कोई इशू नहीं है। यहाँ पे अपन ने जो अभी तक बात की है 10 लाख रुपए वाली, ये कैश वाली की है। यदि आप चेक से, नेफ्ट के थ्रू, आरटीजीएस के थ्रू या आईएमपीएस के थ्रू सेविंग अकाउंट में लेन देन करते हैं तो उसकी कोई इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे नहीं जाती है, उसका कोई इश्यू नहीं, आप कितना ही लेन देन करें। बस दिक्कत है कैश में, इसलिए आप कम से कम कैश विड्रॉल करें, कम से कम कैश जमा करें, ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन आप नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस या सीटीएस क्लियरिंग चेक के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन आजकल चेक में भी एक नया रूल आ गया है, यदि आप 50,000 या उससे ज्यादा अमाउंट का चेक काटते हैं तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन बैंक को पहले से देनी होती है। उसका नाम है पॉजिटिव पे सिस्टम। पॉजिटिव पे सिस्टम क्या होता है जानने के लिए मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है, वो जाके आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नए शानदार वीडियो में। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।